आप एक बार देख सकते हो, बट वो बाहुबली वाला इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाया इस बार। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। पैसा वसूल मूवी हिट, एकदम हिट। सो मतलब बहुत अच्छा होगा, शब्द ही कम पड़ेंगे बोलने के लिए। अच्छी थी, अच्छी थी। हम तो चकाचौंध हो गए बिल्कुल मूवी देख के। मतलब 3 घंटे की मूवी, लगा था कि शायद एडिटिंग कोई कोई रैंडम सीन हो सकते, लेकिन SS राजामौली का जो विजन है बिल्कुल फिनोमिनल। इतनी माइंड ब्लोइंग मूवी है कि फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड टिल द लास्ट फ्रेम, मतलब आप देख के यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट, मतलब आप देखती रह जाएंगे, कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं, इट्स कम्प्लीटली अनपैकेबल। बहुत ही ऑसम मूवी है। और जो जूनियर NTR और रामचरण जिस भी फ्रेम में आए हैं, वो फ्रेम में उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा रोल किया है। मतलब वो नाचो नाचो गाना है, उसकी कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है, एनर्जी इतनी अच्छी है, उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, दे हैव वंडरफुल कमेडरी। एंड राजा मौली का विजन, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब मैं बोलता कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर उनसे मैच नहीं कर सकता, हॉलीवुड लेवल की मूवी है। आलिया भट्ट बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही एलिगेंट लगी हैं वो अपने रोल में सीता के। पर जैसे मैंने कहा कि जूनियर NTR और रामचरण से अगर नज़र हटेगी तो कहीं और नज़र, इवन जो ब्रिटिश कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। स्टोरी बहुत अच्छे ब्रिटिश हीरा डिपिक्ट किया है। और अजय देवगन का भी अच्छा रोल सेकेंड हाफ में। बट जैसे मैंने कहा जी, जो दो प्रोटैगनिस्ट है, जो फाइटर्स दिखाए हैं ब्रिटिश राज में, इनके रोल बहुत अच्छे रोल्स हैं। और जो भी ब्रिटिश कैरेक्टर्स भी जिन्होंने निभाए वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना कि 800 करोड़ का ऑलरेडी इन्होंने जो भी म्यूजिक राइट्स वगैरह से और राइट्स से मिल गया है इनको। तो आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेलर देखिए, लोग इतना मतलब लोग देखना चाहते थे, ये मूवी का इंतज़ार हो रहा था। हाँ, हमें पता है कि यू नो बाहुबली 1 और 2 बिल्कुल अलग ही लेवल की थी और वैसे बिजनेस किया, बट ये एक और लेवल ऊपर है, क्योंकि इसके 3D इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स इतने स्टनिंग हैं, इतने माइंड ब्लोइंग है कि जब मैंने जैसे कहा यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट। बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। एक शुरू में जूनियर NTR जो यू नो एक वुल्फ और एक टाइगर उनको चेज करें, वो एक सीन बहुत ही धमाकेदार है। फिर एक ब्रिज के पास एक बच्चे को सेव करते, वो वाला सीन बहुत अच्छा है। या उनका नाचो नाचो गाना, ओ माय गॉड, वो हम लोग ने ट्रेलर में देखा था। क्या एनर्जी है, क्या केमिस्ट्री है दोनों की, मतलब आप बिल्कुल मंत्रबुद्ध हो जाएंगे आप उन दोनों को देख के। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। बढ़िया थी, मतलब बट इट्स बिट्स एंड पार्ट में वो अच्छी है, मतलब सीन्स जो डिज़ाइन किए हैं वो अच्छे हैं, बट ओवरऑल मतलब ठीक है। आप एक बार देख सकते हो, बट वो बाहुबली वाला इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाया इस बार। एक तो शायद ये मूवी ज़्यादा लंबी होगी तो आदमी मतलब, और गाने बहुत ज़्यादा डाल दिए तो, बट मतलब सीन्स काफ़ी अच्छे क्रिएट किए। जो एक्शन सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ हैं और उनको देखने में मज़ा आता है। बट मतलब कहीं ना कहीं पे बहुत स्लो लगती है फिल्म, 3 घंटे 3.25 घंटे की फिल्म काफ़ी स्लो लगती है। रामचरण इज़ बेस्ट, मतलब पूरी फिल्म में अगर कोई सबसे तगड़ा है तो वो रामचरण है। NTR ने भी अच्छा किया, बट जो रोल इंपॉर्टेंट है वो रामचरण का ज़्यादा भारी पड़ जाता है सारे लोगों पर। और अजय देवगन, मतलब आलिया के लिए तो ठीक ही ठाक है, बट अजय देवगन और रामचरण बेस्ट सुपर जी। सबसे बेस्ट रामचरण का जी, बेस्ट रामचरण का ही मेरे को लगा जी। और अजय सर का और आलिया भट्ट का रोल कम है, कम उनको दिखाया गया, लेकिन सबका अच्छा है जी। वो शायद उतना ना हो बाहुबली कितना, लेकिन है। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा था। फाइट सीन्स, एक्शन, हीरो का रोल अच्छा लगा। रामचरण आलिया भट्ट के बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? आलिया भट्ट का इतना नहीं दिया, इतना कुछ खास नहीं दिया, बट ठीक है, ओके। छोटा रोल था ना, सपोर्टिंग रोल में ठीक थी। बाहुबली पे तो पारी नहीं पड़ेगी, बट ये नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। सुपर हिट है, एकदम फुल, एकदम आग लगा दी। पैसा वसूल मूवी हिट, एकदम हिट। आप क्या बोल रहे हो? राम की बस बहुत अच्छी, जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त फाइट। मुझे तो लग रहा था कि रामायण चल रही थी, लेकिन वो है बहुत बहुत अच्छी मूवी है। और ये पूरी देशभक्ति के ऊपर प्राउड फील होता है, मूवी देखकर एकदम प्राउड फील होता है अपने देश के लिए। मुझे जूनियर का, आलिया भट्ट का भी है, लेकिन जूनियर का बहुत अच्छा काम है उसमें, राम का भी बहुत अच्छा काम है। वो जो साथ में लड़े जो जंगल के सारे जंगल के एनिमल्स छोड़ के, पूरा छोड़ के जो गोरों के ऊपर एकदम से टूट पड़ते ना, वो मुझे बेस्ट सीन लगा। आपको बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत ऐसा लग रहा था कि बस देखती जाओ, 10 बार भी देखूँ तो भी कम पड़ेगा। अजय देवगन तो है ही, उनके बारे अजय सर तो ऑब्वियसली वो तो है ही सुपरस्टार। और बहुत खुशी हुई है आलिया जी को इसमें देख के, एंड डायरेक्शन तो ऑसम, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा लगेगा आने के बाद। सो मतलब बहुत अच्छा होगा, शब्द ही कम पड़ेंगे बोलने के लिए। okay. तो बहुत हमने मूवी इंजॉय किया। अभी वापस फ्रेंड्स के साथ आने वाली हूँ, एक फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ,
और ऑफिस फ्रेंड के साथ सबके साथ कम से कम मैं 5 बार चाहती हूँ कि मैं आके देखूँ। इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं, तो फाइनली अब आज़ादी वाली फीलिंग आती है कि हाँ हम अंग्रेज़ों से अब आज़ाद हो गए, अब खुल के ज़िंदगी जी रहे हैं। सो बहुत ज़मीन से जुड़ी मूवी थी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। बाहुबली तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा रिव्यू अच्छा था, ये भी अच्छा है, दोनों ही अच्छा है, और उनके बारे में तो शब्द ही कम पड़ेंगे बोलने के लिए, क्योंकि हर बार उनका डायरेक्शन इतना अच्छा रहा है, तो कुछ नो कमेंट्स उनके बारे में, सॉरी। सॉन्ग्स ठीक है, बट मूवी ज़्यादा, स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी सॉन्ग्स के मुताबिक। अच्छी थी। रामचरण की ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। रामचरण की ज़्यादा अच्छी। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस कैसी लगी? ठीक था, वैसा कुछ नहीं था, लेकिन रामचरण का मुझे सबसे अच्छा लगा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? 3 जी, 5 में से 5। 4 5 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
बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।